तो फिर आ चुके एकदम ताज़ा फीरे से वीडियो, बहुत ज़्यादा ताज़ा है, बहुत ज़्यादा फीरे से, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक वॉच कर लीजिएगा। आप भी इस तरह का न्यू एकदम ग्लो लिरिक्स वीडियो एडिट करना चाहते हो जो कि स्वाइप होके आ रहा है, तो आपको घूम के रूटेड होके आ रहा है, तो आप भी बनाना चाहते हैं, एकदम न्यू है आपके लिए बनाया हूँ। तो वीडियो को एंड तक वॉच कर लीजिएगा। आज का वीडियो में 4 अंक का पासवर्ड है, इसीलिए वीडियो को एंड तक वॉच कर लीजिएगा। आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, बाकी जितना भी मेहनत है ना एडिटिंग वगैरह जितना भी सब एडिटिंग हम कर लिए हैं, बाकी आपको सिर्फ प्रोजेक्ट मिल जाएगा सीधा, आप रिडायरेक्ट हो जाइएगा लाइट मोशन में। और XML वाला है तो XML का भी लिंक मिल जाता है, उसके बाद नोट वीडियो का लिंक भी मिल जाता है, फोन का भी लिंक मिल जाता है, बहुत कुछ मिल जाता है। इसीलिए आपको पासवर्ड अगर बात कर लेते हैं तो बाकी सब मटेरियल का लिंक मिल जाएगा। तो पासवर्ड आपको क्यों बात कीजिएगा वीडियो पासवर्ड के लिए, तो इसीलिए पासवर्ड के लिए बात कीजिएगा। तो 99% बंदा जो है ना पासवर्ड मिस करते थे, क्यों मिस करते हैं, इजी इसका स्टेप है, आपको 5 सेकेंड आप स्किप करते होंगे या 10 सेकेंड पर आपका होगा यूट्यूब स्किप करते होंगे, तो आप जो पासवर्ड जो है 1 सेकेंड का देते हैं तो स्किप कीजिएगा, ऑटोमेटिक पासवर्ड नहीं मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए दीजिएगा, एकदम हो गया है लाइक कर दीजिएगा। आजकल बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं यूट्यूब पर, बहुत ज़्यादा वीडियो डाल रहे हैं ना, इसलिए तो सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा ना। इसी तरह का ग्लो लिरिक्स आपके लिए लाते हैं एकदम ताज़ा वाला फ्रेश वाला। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो है लाइट मोशन नोट वीडियो, दो ऐप का मजा लेंगे, दोनों का इंजॉय लेते हैं। आप पहले एडिटिंग करते हैं, आपको बता देते हैं इस तरह से प्रोजेक्ट मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए। प्लस पे टैप कर लेते हैं, लाइट मोशन ओपन करते हैं। प्लस पे क्या टैप करें, प्लस पे टैप कर लेना, अब होगा प्लस पे टैप, उसका 9:16 करते हैं। क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं, क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद जो सीधा यहाँ प्लस पे टैप कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे सीधा मीडिया पर जाते हैं, सॉन्ग ऐड कर लेना, जो भी आपका फेवरेट सॉन्ग होगा उसको ऐड कर लीजिए। इस पर टैप कर लीजिएगा, वीडियो से हम सॉन्ग निकालेंगे, स्ट्रेक करते हैं, वीडियो को डिलीट करते हैं। वीडियो डिलीट करने का प्लस पे टैप करना है, एटेक्स पे जाना, एटेक्स पे जाने के बाद सीधा यहाँ पे आ जाना है, इस वाले फोन को चूज कर लेना, इसको बीचों बीच कर लेना, तो बीचों बीच कर लीजिएगा। उसके बाद इसका जो कलर है जैसे वैसे उसे रख लीजिएगा। उसके बाद जो है आपको ये कुछ इस तरह से आपको दिखा देगा। इसमें पहले हम लिख लेते हैं लिरिक्स, तो अपना जो भी लिरिक्स है, जान मेरे जान, तो लिख लेते हैं बचपन का प्यार। ओहो बचपन का प्यार नहीं, बचपन का प्यार नहीं लिखेंगे, हमें तो जवानों प्यार किए हैं, तो ये वाला है, तो इस बचपन का प्यार नहीं लिखेंगे, अपना प्यार जो है लिख लीजिएगा, प्यार वाला लिरिक्स जो प्यार से जो फील होना चाहिए दिल में, तो वो वाला लिरिक्स लिख लीजिएगा। उसका ये लिरिक्स इस तरह से लिख कट कर लेते हैं। कट करने के बाद इससे आपको करना क्या होगा, पहले जो है ना इस पर टैप कर लेना है, मूवमेंट ट्रांसफर में जाना, मूवमेंट ट्रांसफर में जाने के बाद स्टार्टिंग से एंड में आ जाना, एंड में प्लस आइकन, और एंड से जो है ना हल्का सा हट के एकदम ईवन जो है ईवन तनी सा एकदम हट के, उसके बाद सीधा आपको एंड में आ जाना है, एंड में। इसके बाद इसको राइट साइड कर लेना, तो राइट साइड अपना हाथ देख लीजिए, उस साइड कर लेना, तो इस साइड तो कर लीजिएगा। बाद इसमें कर्व जो है ना कुछ इस तरह से देंगे, नीचे करके कर्व दे देंगे। उसके बाद जो है ये हो गया, हो जाने के बाद सीधा इसमें जो है ना आपको इफेक्ट देना। तो पहले आपको जो पहले जो है इस पर प्लस टैप करते हैं, एटेक्स पे जाते हैं, इमोजी वाला जो है ना चूज कर लेते हैं। इमोजी वाला अगर फॉन्ट चाहिए तो उसका भी फॉन्ट मिल जाएगा, न्यू है, iOS नहीं है, हम दूसरे फ़ोन चूज किए हैं, तो iOS वाला नहीं है, तो iOS में बड़ा ज़्यादा नहीं होता, इसलिए iOS को चूज नहीं किया। तो फिलहाल के लिए हम इसको पोज करते हैं। तो फ्रेंड ये वाला फॉन्ट है, तो ये नोट कलर इमोजी ये नाम है इसका फॉन्ट, और इसमें इमोजी है ना आपके सॉन्ग के मुताबिक जो भी इमोजी होगा उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए मैं ये वाला इमोजी सेलेक्ट करते हैं, उसके कलर पर जाते हैं, इस वाले सिंबल पर
ये वाला, और उस पर बीच वाला सिंबल पे जाते हैं, उसको डिक्रीज करते हैं कलर, और इसको बीचों बीच रख लेना, तो रख लेना। उसके बाद साइज हल्का बढ़ा दीजिए, बड़का बड़का कर लेना, बड़े बड़े, तो उसको कर लीजिएगा। उसके बाद इसको मोवन ट्रांसफॉर्म जाना, साइज भी जाना, बड़ा कर लेना, इतना आप कर लीजिए ये हट जाता है, तो इतने पर रखिएगा। उसके बाद जो है आपको इसमें जो है और हल्का सा इसको इंक्रीज करते हैं, हाँ इतना पर करते हैं इसको, तो पीटी तो 64 PT रख दीजिएगा। उसके बाद इसको कट कर देते हैं, इसके बाद इसको नीचे कर लेते हैं, नीचे कर लेने के बाद जो है ना आपका लिरिक्स जो है दिख रहा होगा, इसको जो है ना आपको यहाँ पे रख लेना, बीच सेंटर में रख लेना, रख लीजिएगा। तो आपको जो है इसमें जो इफेक्ट लगाना, तो इफेक्ट लगाने के लिए ऑलरेडी प्रोजेक्ट दिया गया है, सीधा प्रोजेक्ट में जाइए। क्योंकि आपको प्रोजेक्ट क्यों देते हैं, क्योंकि अगर एडर बाय एडिटिंग सिखाएंगे ना, इफेक्ट बाय इफेक्ट लगा के आप लोग गड़िएगा, इसीलिए समझ रहे हैं हम आपका बात। तो इसीलिए आपको सीधा इसमें आ जाना है, इसको इफेक्ट लगाइएगा। पासवर्ड मिलता है, क्या मिलता है पासवर्ड देख लीजिएगा, उसके बाद इजी तरीका लगा लीजिएगा। सीधा इस पर टाइप करते हैं इस वाले लिरिक्स पे, उसके बाद जो है इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद जो है ना सीधा बैक आते हैं, बैक आने के बाद जो है इसको इनेबल करते हैं, इसको इनेबल करते हैं जो बना रहे हैं। उसके बाद इसमें जो है पेस्ट कर लेना, पेस्ट कर लीजिएगा। तो पेस्ट करने के बाद इसमें जो इफेक्ट हम दो तरह से लगाएं दिखाते हैं आपको कौन कौन तरफ से लगाएं। देखिए ये वाला हो गया इफेक्ट, और इस वाले जो अगर इन डिप जो है इसको हल्का सा दिख लीजिएगा, इसको इस तरह से कीजिएगा तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। बहुत ज़्यादा ताज़ा तरीका से आपको बता दिए हैं, एक ही आपको दो दो लेयर्स आपको बता दिए इसमें, जिसको ई वाला इफेक्ट को हम डिक्रीज करके रखते हैं, जिसको डिक्रीज करके रखिए कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। उसके बाद जो देखिए इस तरह से आएगा, इस तरह से चल जाएगा। उसके बाद इसमें स्प्लिट जो है ना स्ट्रिप होता है इसको ऐड कर लेते हैं, जो इमोजी पे दिए थे उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसमें जो है स्ट्रिप जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा वर्क इस्तेमाल करता है, जिसको सेलेक्ट कर लेते हैं इमोजी वाला पे। तो बैक आते हैं, कॉपी कर लिए हैं, कॉपी करने के बाद बैक आते हैं वही वाला प्रोजेक्ट में जाते हैं, जो अभी अभी तुरंत फिर से बना रहे ताज़ा से। तो इसको इफेक्ट पे जाते हैं, दौर पे जाते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। देखिए आपका इफेक्ट इस तरह से आपको लग जाएगा, लग जाना है। इसी आपको दो लिखना के लिए सीधा कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद आगे जाइए पेस्ट कर लीजिए। पेस्ट करने के बाद फर्स्ट जो लिरिक्स है तो फर्स्ट जो लिरिक्स है तो दीजिए आकाश, नहीं कौन लिरिक्स है, ये वाला है हार्ड मेरा दिल बेकरार हो जाए, ये वाला जो है लिरिक्स, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। ये वाला लिरिक्स आपको सेलेक्ट करते हैं, वाइट कलर आ रहा है इसमें जो है ना, आपको बॉर्डर एंड शेडो जो है ना इनेबल कर दीजिएगा, स्ट्रोक शेडो को, और स्ट्रोक भी इनेबल कर दीजिएगा। इसका जो कलर है आपको अपने अनुसार से रख लेना है, जो भी कलर है। देखिए आपको इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा ताज़ा तरीका से आपको बताते हैं। स्टॉक नहीं हो इनेबल करिएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सीधा इसी प्रोसेस जो है ना आपको इसको कॉपी किए कर लीजिएगा, आगे जाकर पेस्ट कर दीजिएगा, फिर से आपको जो भी लिरिक्स है लिख लीजिएगा। तो इसी प्रोसेस से लिख लीजिएगा तो अच्छा। चलिए आगे जो है ना आपको पूरा एंड तक लिख लेना, तो पूरा एंड तक आपका सॉन्ग होगा, जहाँ तक होगा 10 सेकेंड 20 सेकेंड 25 सेकेंड जहाँ तक होगा तो कर लीजिएगा। तो चलिए शेयर पे जाते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं। आपको वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको डिटेल में बता दिए हैं, तो सीधा एक्सपोर्ट करते हैं ग्राउंड लेवल से। तो चलिए आज का जो वीडियो में है ना, ग्लो भी दे देते हैं, तो आप जानते हैं बहुत दिन से ग्लो नहीं दिए थे, तो लिरिक्स वीडियो में ग्लो एक जो है जान डालता है, जो प्राण बाहर निकलता है वो अंदर घुस जाता है, ये वाला है। नोट वीडियो को ओपन कर लेना है, अगर आपको चाहिए मतलब QRP चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, QRP भी अटैच कर दूंगा। अगर नहीं कीजिएगा कमेंट, अगर QRP नहीं दूंगा, QRP पर एडिटिंग करना चाहते हैं फिलहाल के लिए आपको होम पे जाते हैं, आपको देखिए यहाँ मिनी मूड मिलेगा, यहाँ पे लोड पर टेम्पलेट। अगर पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा ना, QRP वाला बहुत ज़्यादा QRP दिए थे उसमें, बहुत 3-4 को वीडियो इस पर दिया गया, तो इसमें सीधा प्रोजेक्ट पर जाते हैं, उस वाले वीडियो को देख लीजिएगा। इसी तरीका से आपको QRP पर एडिटिंग करना सीख जाइएगा। नोट वीडियो में 9:16 करते हैं, उसके बाद कलर जो है वाइट कलर में प्लस पे टाइप करते हैं, मीडिया पे जाते हैं, वीडियो पे जाते हैं। वीडियो पे जाने के बाद जो है ना यहाँ पे जो भी लाइट मोशन सब अभी तुरंत फिर से वीडियो बनाए थे फिर से वाला, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। प्लस पे टाइप करते हैं, ग्लो पे जाते हैं सर्च पे, तो ग्लो लिख लेते हैं, गीलो तो गीलो लिख लेते हैं। उसके बाद गीलो को सेलेक्ट करते हैं, कलर जो है ना हम येलो दिए थे, हम अभी रेड देंगे, तो रेड रखेंगे हम। देखिए कुछ इस तरह से आपको आएगा रेड, बहुत ज़्यादा ताज़ा तरीका से इसको हल्का इंक्रीज करिए, जो है इसको जो है ना अल्फा को हल्का कम कर लीजिएगा, तो आपको इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो हल्का ऑन कर लीजिएगा अल्फा को, इससे
प्लस पे टैप करते हैं, फिर से लिखते हैं गीलो, गीलो स्कीम स्किल सेलेक्ट करते हैं, स्किल सेलेक्ट करते हैं, इसका जो है इसका कलर है ओवरऑल करते हैं फिलहाल के लिए। ओवरऑल करने के बाद जो कलर है नहीं ओवरऑल नहीं करना है आपको, इससे जो है उसे रहने देना। उसके बाद इसका कलर है फिलहाल के लिए रेडे रखते हैं, रेडे रखने के बाद जो है इसका कलर इंक्रीज हल्का सा, ये थॉर्स होल है हल्का सा डिक्रीज, हाँ इतना रखते हैं 0.22 के आसपास रखते हैं। उसके बाद रेडियस जो ऐसा वैसा अल्फा को जो है ऑफ ही रखिएगा, सीधा आपको एक्सपोर्ट कर लेना वीडियो को, इससे इस पे जाइएगा रूट पे और सीधा एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। QRP चाहिए तो QRP भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमेंट कर दीजिएगा तो QRP ईजी तरीका से आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो में अगर कुछ जानने के लिए मिलेगा, ताज़ा फ्रेश वीडियो आपको दिख रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा बंदे जो है ना वीडियो को है ना बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ताज़ा से, तो आप भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।